मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप बटन दबाकर इस राशि को हमारे किसान भाइयों बहनों के खाते में सीधे ट्रांसफर करने की महती कृपा करें। और क्या है ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये राशि ट्रांसफर हो गई, बहुत जोरदार तालियों से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने हमारी लाइव स्ट्रीम में देखा कि अभी अभी 5:15 पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी उत्तर प्रदेश से पीएम किसान योजना की 17वीं इंस्टॉलमेंट को रिलीज कर दिया है। उन्होंने रिमोट का बटन दबा करके 9,26,00,000 किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की इस धनराशि को ट्रांसफर कर दिया है। आप लोग पहले लाइव देख लीजिए प्रधानमंत्री जी ने जो किस्त ट्रांसफर की है, उसके बाद हम आपको वीडियो में आगे जानकारी देते हैं। मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप बटन दबाकर इस राशि को हमारे किसान भाइयों बहनों के खाते में सीधे ट्रांसफर करने की महती कृपा करें। और क्या है ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये राशि ट्रांसफर हो गई, बहुत जोरदार तालियों से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः। तो दोस्तों, आप लोगों ने लाइव देखा अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने यानी 5:15 पर पीएम किसान योजना की इस 17वीं इंस्टॉलमेंट को रिलीज कर दिया है रिमोट का बटन दबा करके। 9,26,00,000 किसानों के खाते में ₹2,000 क्रेडिट होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आज सभी बैंकों को 12 बजे ही बोल दिया गया था कि आप लोग सब अपने कार्य 12 बजे तक निपटा लें और बैंकों के सर्वर को बिल्कुल फ्री रखें ताकि किसानों की इस धनराशि को क्रेडिट होने में किसी तरह की कोई भी समस्या ना हो। तो बैंकों का सर्वर भी पूरी तरह से फ्री था, लोगों के मोबाइल फोन पर SMS आना शुरू हो चुका है। अभी आधे घंटे का समय बीता है किस्त को जारी किए हुए और लोगों के मोबाइल फोन पर 17वीं किस्त क्रेडिट होने का SMS आने लगा है। अब से कुछ ही देर में आपके भी मोबाइल फोन पर SMS आ जाएगा। अगर आपको मैसेज नहीं आ सकता आता है, हो सकता है कि बैंक का सर्वर बिजी हो, तो आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को बैंक की तरफ से SMS नहीं आ पाएगा, मैसेज नहीं आ पाएगा, लेकिन पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका होगा। तो आपके पास चेक करने का जो भी विकल्प हो, उस तरीके से आप अमाउंट चेक कर लीजिएगा आपसे 1-1.5 घंटे बाद, क्योंकि रात 9-10 बजे तक सभी किसानों का पैसा क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद फिर मुश्किल होगा कि जिन किसानों का पैसा 9-10 बजे रात तक नहीं आता है, उनका शायद मुश्किल होगा, फिर उसके बाद पैसा नहीं आएगा, क्योंकि जिन किसानों को पैसा जारी किया गया है उनका पैसा 9 से 10 बजे रात तक क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि बैंकों का सर्वर बिल्कुल फ्री है, पैसा 3-4 घंटे में आसानी से क्रेडिट हो जाएगा बिना किसी समस्या के। तो आप लोगों का भी पैसा 9 से 10 बजे तक क्रेडिट हो जाएगा। यहां पर जो पैसा जारी किया गया है 9,26,00,000 किसानों को दिया गया है। बाकी अब कौन से किसान यहाँ पर वंचित रहे, किन किसानों को पैसा नहीं मिला है, जिनका FTO 9 था उनको पैसा दिया गया है नहीं दिया गया है, ये स्थिति आज रात 9-10 बजे तक स्पष्ट हो जाएगी। तो मैं उस पर अभी बाद में फिर से एक वीडियो बना करके जानकारी दे दूंगा। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि डेटा यहां पर मिल जाए कि किन किसानों को पैसा दिया गया है, किन किसानों को पैसा नहीं दिया गया है। हालांकि जिनका FTO यस है, 17वीं इंस्टॉलमेंट के आगे ग्रीन टिक लगा हुआ है, उन्हें 100% पैसा जारी किया गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं जिनका सब कुछ सही है लेकिन FTO नो लिखा हुआ है, तो पता नहीं उन किसानों को पैसा मिला है या नहीं मिला है। अभी थोड़ी ही देर में यह स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। जैसे ही यह स्थिति स्पष्ट होती है, हम आपको वीडियो बना करके सबसे पहले जानकारी देंगे। दोस्तों, अभी के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।